हेलो दोस्तों, अभी देखिए हम लोग 150 किलो ऑनियन है और ऑलरेडी इससे पहले ग्रेवी बनाया था, ख़त्म हो गया। तो अभी 150 किलो ऑनियन में 50-50 ग्राम इलायची लौंग पत्ता डाल दिया और 6 पैकेट ऑयल डाल दिया और 40 किलो टमाटर। और बाद बाकी हम लोग इसको लाल करेंगे, लाल करके बीच बीच में दिखाएंगे कैसे ग्रेवी बनता है। हम लोग को पूरा रेसिपी दिखाएंगे, बस देखते रहिए। पसंद आए तो एक लाइक एक शेयर कीजिए। हेलो दोस्तों, ये देखिए ग्रेवी रेडी हो गया, पूरा पूरा ग्रेवी रेडी हो गया। कैसे फूट रहा है देखिए, ओवन भी छोड़ दिया। बस मेरे पसंद आया तो लाइक करना शेयर करना। अब ये देखिए 150 किलो पूरा ऑनियन ग्रेवी के लिए कटिंग हो रहा। अभी देखिए 150 किलो ऑनियन का ग्रेवी हम लोग बना रहे हैं। पूरा 150 किलो ऑनियन है। ए छोटू आ जा, छोटू ठीक है। पकड़ 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 ले, हो जाओ। पकड़ जल्दी आ, पकड़ कर ले, पकड़ लड़की को। अरे आयल आयल इलायची लौंग पट्टा आयल तो दे दो। ये देखिए 150 किलो ऑनियन है और 40 किलो टमाटर उधर काट के रखा हुआ। अभी ऑनियन इसमें 6 पैकेट, ये सॉरी ऑयल 6 पैकेट डालेंगे इसमें। कितना रे, 2, 4, 6 हो गया। छुरी ला, छुरी ला। और ये रहा एला चलाऊ पट्टा 50-50 ग्राम। और नहीं तो हम लोग पहला बनाया था 8 दिन पहले, एक बड़ा ऑर्डर था उसलिए चला गया। अभी दूसरा बार बना रहा हूँ हम लोग। और ये देखिए 6 पैकेट ऑयल डाल रहा हूँ पूरा। ए गैस तो पकड़ ला, अभी इसको हम लोग लाल करेंगे अच्छे से। लाल करने का बाद में आप लोगों को दिखाएंगे। बस हो गया, ये देखिए 150 किलो ऑनियन है और इलायची लौंग पट्टा 50-50 ग्राम है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 पैकेट ऑयल है। उसका बाद में हम लोग ऑयल डालडा मारेंगे। और 40 किलो टमाटो है, आप लोग देखिए।
पहले टमाटर कच्चा में डाल देता था, अभी तो ये आधा बोल हो गया। दूर से देखिए, ये देखिए अभी टमाटर डाल दिया 40 किलो, थोड़ा प्याज लाल हो के आया था तो टमाटर भी डाल दिया 40 किलो। अभी टमाटर और ऑनियन अच्छा से इसको लाल करेंगे, लाल करने के बाद में आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए टमाटर भी डाल दिया, अभी देखिए ये पूरा लाल हो गया, ऑनियन टमाटर लाल हो गया। अभी अब हम लोग इसको बंद करके रखेंगे, बाद में ग्रेवी पेस्ट करेंगे। आप लोग जितना फुटा सकते हैं उतना अच्छा है, हम लोग का तो पुड़िया रेडी हो गया। अभी ग्रेवी को पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद में आप लोगों को दिखाएंगे। अभी देखिए ग्रेवी रेडी हो गया, अभी ग्रेवी पेस्ट होगा, ये ठंडा भी हो गया तो ठंडा हो, जब तक ये ग्रेवी पेस्ट होगा तब तक हम लोग मसाला मिला लेते हैं। अभी देखिए ग्रेवी कैसा पीस रहा, ग्रेवी पीसने का दिखा दिया आप लोगों को। ये देखिए कैसे पीस रहा है ग्रेवी। देख सकते हो ग्रेवी कैसे पीसा हुआ है, ज्यादा बारीक भी नहीं है, तो ऐसे करके पूरा पीसने का बाद में आप लोगों को दिखाएंगे। स्टार्ट हो गया, स्टार्ट उधर जाओ आगे। अभी देखिए ग्रेवी का मसाला हम लोग डाल रहा हूँ, तो इसमें पहला 2 किलो डालडा डालेंगे इसमें। निकोड़ 2 किलो डालडा पहला डालेंगे, उसके बाद में ऑयल डालेंगे 3 लीटर। ये देखिए 2 लीटर हम 2 किलो डालडा डाल रहा, अभी ये डाल रहा हूँ ऑयल। एक गोल्ड विनर एक था ना, एक पैकेट था ना, और लेके आ जा। अरे गोल्ड विनर एक था, लेके आ जा, गोल्ड विनर है ना, माइनस का है वो, लेके आ जा। अभी देखिए 2 लीटर डालडा डाला तो, और 2 लीटर ऑयल डाला, 1 लीटर अभी लेके आ रहा, तो इसको अच्छा से मेल्ट कर लेंगे। फायर कर पर आप दो चीज़ आता है। ये देखिए तो 3 लीटर ऑयल डाला, 2 लीटर डालडा ये डाल दिया, बस इतना ही है। उसको आपने अभी डालेंगे, देखिए अदरक लहसुन जिंजर गार्लिक पेस्ट 1-1 किलो, 2 किलो है पूरा, इसको अच्छा से लाल करेंगे।
अभी देखिए लाल हो गया, अदरक लहसुन लाल हो के आ गया, तो इसमें हम लोग मसाला डालते हैं। मसाला क्या डालना है आप लोग देखिए। चलो अभी ये मसाला हम लोग डाल रहा हूँ 150 किलो का, 400 डाल रहा हूँ। जैसे 400 ग्राम गरम मसाला है, और 400 ग्राम जीरा पाउडर सब मिक्स करके डाल रहा हूँ। और ये मोटा नमक है 1 पैकेट, आप लोग देख सकते हैं। और जीरा पाउडर यहाँ है, टोटल 400 ग्राम जीरा पाउडर, 400 ग्राम गरम मसाला और 1/2 किलो चिल्ली पाउडर डालेंगे हम लोग। 150 किलो ग्रेवी में 1/2 किलो से थोड़ा कम डालेंगे। आप लोग चिल्ली पाउडर आपके हिसाब में डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए। और दही डालेंगे हम, 2 लीटर लिया। आप लोग दही डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते। दही डालना जरूरी नहीं है, दही डालने से क्या कलर अच्छा व्हाइट आता है, इसलिए हम लोग दही डालते हैं, कलर में चेंज नहीं होता है। और आप लोग बोल रहे हैं जो हल्दी पाउडर क्यों नहीं डाल, हल्दी पाउडर हम लोग नहीं डालते। धनिया पाउडर लेगा, धनिया पाउडर 400 ग्राम डालना है इसमें। धनिया पाउडर भी 400 हिसाब से डालना है, ज्यादा नहीं डालना। तो ये मसाला अभी भी बोल रहा हूँ, 400 ग्राम धनिया पाउडर, 400 ग्राम जीरा पाउडर, 400 ग्राम गरम मसाला और 400-500 चिल्ली पाउडर आपको जितना चाहिए। और दही डालना जरूरी नहीं है, आप लोग डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। इतना ही हो गया। अभी इसमें पानी डाल के हम लोग मिक्स करेंगे। पानी लग गया। अभी देखिए इसमें हम लोग पानी डाल देंगे। पानी आपका मर्जी हिसाब से डालना है, जितना डालना है। इसमें हम लोग हाथ नहीं देंगे, क्यों? हाथ नहीं देने का मतलब है चिल्ली पाउडर मसाला है ना, बहुत जलता है। आप लोग हाथ दे सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर ये देखिए मसाला कैसे रेडी होगी, जबरदस्त है। और भी थोड़ा पानी चाहिए, थोड़ा पानी लगे। डाल पूरा डाल, ये बहुत छोटा वाला हांड ले क्या? ये देखो पूरा मसाला डाल दिया। होटल में और पानी नहीं है भाई। देखिए मसाला रेडी है। ये मैं मसाला क्यों सूखा सूखा बनाया ना, जितना सूखा होगा फ्रिज में उतना कम ग्रेवी रहेगा। पानी जितना देंगे उतना ग्रेवी मसाला ये हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा, ग्रेवी पानी हो जाएगा। फिर
इतने ही है, अभी चलते हैं मसाला डालेंगे। कैसे डालना है ये देखिए, मसाला भी हो गया रेडी। ये मसाला है, लड़की पानी दे सर, पानी दे इसमें, पानी दे दे हल्का सा पानी दे। हाँ दे रहा, मसाला डाल दिया। अभी जैसे मसाला लाल होगा उसके बाद में हम लोग दूसरा मसाला डालेंगे। इसे ये जैसे मसाला लाल होगा उसके बाद में हम लोग पेस्ट कर रखा हूँ, पेस्ट में ये करेगा भी दिखाएगा आप लोगों को। अभी देखिए मसाला लाल हो गया है, तो इसमें आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसमें काजू है 1 किलो और खसखस 1/2 किलो और 4 मगज 1/2 किलो साथ में पीसा हुआ है, तो इसको डाल देंगे अच्छे से फूलने आने के लिए। चला चला चला, इधर उधर डालो इसमें। देखिए मसाला डाल दिया, इसको अच्छा से फुटाएंगे हम लोग, अच्छा से लाल करेंगे इसको कलर आने तक। देखिए अच्छा से लाल होगा, अच्छा से लाल होगा तो इसमें हम लोग ग्रेवी डालेंगे। तो जितना लाल होगा उतना खुशबू अच्छा आएगा, हम लोग देख सकते हैं। सॉसपैन ऐसे डाल दो, देखिए कलर भी अच्छा आ गया इसका। देखिए सॉसपैन लगा, अभी हम लोग ग्रेवी डालेंगे। देखिए लाल हो गया, डाल डाल ग्रेवी डाल, ग्रेवी डाल। हाँ ऐसे डालो, ऐसे डालो, उड़ा उड़ा ये आए ठीक डाल में जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ छोड़ यार। बैठ जाएगा, आराम से डाल, आराम से इसी का ऊपर डाल।
बैठ रहा है। डाल 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 ए दो आदमी पकड़ के डाल दे हो जाएगा। डाल डाल नहीं होगा ठीक है उड़ा उड़ा इसे जैसे भी डाल और अरे वैसे उठा के डाल दे जैसे डाले या डाल रासा भी उठा के दो आदमी डाल दे दो आदमी उठा के डाल दे हो गया बे नीचे कर डाल उठा के डाल उठा के डाल 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 अभी देखिए ग्रेवी इसको अच्छे से फुटाएंगे हम लोग। आज पूरा ग्रेवी कंप्लीट दिखाएंगे आप लोगों को। चला चला ये देखिए जब लाल होके आएगा तब हम लोग दिखाएंगे इसको। आप लोग देख सकते हो जबरदस्त है ग्रेवी कलर भी अच्छा आया। ये देखिए ग्रेवी रेडी हो गया पूरा पूरा ग्रेवी रेडी हो गया। कैसे फोट रहा देखिए भी छोड़ दिया बस मेरे पसंद आया तो लाइक करना शेयर करना।